हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज के लाइव वीडियोस में हम लोग आपको लाइव ब्लाउज़ की मार्किंग कैसे करते हैं, जैसे ये डिज़ाइन अभी बना रहे हैं हम लोग, तो इसको मार्किंग कैसे करते हैं। जिशन में वो लाइट लगा दो ज़रा, रिंग लाइट यार। तो ये मार्किंग किस तरह से करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। अभी जैसे आप देखेंगे तो इधर एक ब्लाउज़ पर ऑलरेडी काम चल रहा है, इस पर मार्किंग हो गई थी। बट ऊपर करो उसको थोड़ा सा उठा के, हाँ बस। तो अभी ये मार्किंग हो चुकी है, दोनों स्लीव्स एक बॉर्डर की तरफ हैं, इधर बैक नेक है और वहाँ पर फ्रंट नेक है। तो अभी हम इस ब्लाउज़ में मार्किंग आपको करके दिखाएंगे, जिसमें दोनों स्लीव्स एक तरफ बनाएंगे इधर। और मार्किंग करने से पहले आप कपड़े में ज़रूर देख लें कि कपड़े में अगर रुख होता है ना कपड़े का, ये पॉइंट इसका ऊपर जा रहा है तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगर पॉइंट ऊपर जा रहा है तो इसका जो नेक है वो इस तरह बनेगा, ऊपर की तरफ हैंड होगा, ठीक है। और ये साइज़ ब्लाउज़ है इसका जो हम लोग मेज़र करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्लीव्स का पूरा नाप लेना है कि कितना कपड़ा है। ये साड़ी के कपड़े की बात बता रहा हूँ, अगर आप कॉटन सिल्क पे करें तो दोनों एक एक इधर उधर स्लीव्स बना सकते हैं। अगर पट्टू कपड़े पे थोड़ा हेवी बॉर्डर है तो आप इस तरह से सबसे पहले पूरे विड्थ को नापें कपड़ा कितना है, उसके बाद में हाफ़ पे मार्किंग करें, देन उसके हाफ़ में करें, ठीक है। फिर उसके बाद में स्लीव्स का आपका जितना लूज़ है नीचे का, ये जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट स्लीव्स का, ये सेंटर से आप हाफ हाफ करके इधर उधर कर दें। आपको सबसे पहले नाप लेना है, ये बहुत बेसिक और सिंपल है तो मैंने सोचा आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारे चैनल को वॉच करते हैं, जैसे इसमें 10 इंचेस है अप्रॉक्स, तो हम अभी सेंटर से उसको मार्किंग करेंगे। देखो 9.5 है ऑलमोस्ट, तो बीच से इधर 4.5 करेंगे, 4.5 से एक पॉइंट ज़्यादा रखेंगे और उधर भी सेम उसी तरह से करेंगे। देखो ये स्लीव्स का नीचे का लूज रख रहे हैं, ठीक है, और ये बॉर्डर के ऊपर ही काम आएगा। थोड़ा सा नीचे छोड़ के मार्किंग करें स्ट्रेट, ताकि आपके कटिंग, जब आपके कटिंग होके ब्लाउज़ बने तो उसमें कोई दिक्कत ना आए। उधर भी सेम इसी तरह से करेंगे। और अगर बॉर्डर आपके पट्टू का बॉर्डर चौड़ा है, इस तरह का 10 इंच मैक्सिमम होते हैं, अगर कुछ में सेम दोनों तरफ सेम होते हैं, कुछ में एक तरफ ज़्यादा होता है एक तरफ कम होता है, तो आपको स्लीव्स दोनों एक तरफ बनानी है अगर पतला और चौड़ा बॉर्डर है। अगर दोनों तरफ सेम है तो आप एक एक स्लीव्स डिवाइड कर सकते हो, एक इधर और एक अपोजिट साइड में। तो अब स्लीव्स का लेंथ नाप लेना है, जैसे ये स्लीव्स का लेंथ 10 है, तो अभी सेंटर से इस तरह से मार्किंग पहले स्ट्रेट कर लेना, जिस पे आपको स्टिचिंग करनी हो सेम उसी तरह से। ये देखो पटरी से स्ट्रेट मार्किंग कर लेना, और नॉर्मल चॉक ले लेना वाइट वाली, या आप कोई ऐसा डार्क कलर यूज़ ना करें ताकि सिलने के बाद उसको मार्किंग के निशान को निकालना मुश्किल हो। तो आप हमेशा ध्यान रखो वाइट लाइट कलर चाक लो, ताकि बनने के बाद आप इजीली रिमूव कर सको। इस तरह से नीचे से इंची टेप रख के ऊपर 10 इंच यहाँ पर हो रहा है, तो इसको यहाँ पर एंड करेंगे, ठीक है। फिर 3 इंचेस नीचे डाउन करना है यहाँ से, ये देखो। अब उसके बाद में अब आर्म होल आपको नापने हैं, ये स्ट्रेट हो गया बस। अब यहाँ से जो उसका आर्म होल है, लाइक अगर 14 है तो 7 इंच इधर आ जाएगा, 7 इंच उधर आ जाएगा। और जो छोटा वाला बॉर्डर होता है उधर, ये इसमें साइड में अगर जो जॉइंट आते हैं उसमें काम आता है। अब ये इसका देख लो, इस तरह से नापने के बाद में यहाँ पर आर्म होल नाप लिया जाएगा, 7.5 है जैसे इसमें, तो अब 7.5 एक साइड और दूसरी तरफ भी उसी तरह से रख देंगे। हाँ 7.7 है तो 14 है टोटल, इस तरह से देखो कर लेंगे। ये 3 इंचेस ड्रॉप करने के बाद स्ट्रेट करना है आपको, और इस तरह से देखो। और अब यहाँ से इसको हल्का सा राउंड कर देंगे, नीचे इसमें मिला देंगे। ये देखो तरह से ये हो गया। अब उधर से पटरी लगा के उसको स्ट्रेट कर देंगे, और इसको भी इसी तरह से स्ट्रेट कर देंगे।
ये देखो इस तरह से इसको राउंड कर देंगे थोड़ा सा। ये देखो ऑलमोस्ट एक स्लीव्स का मार्किंग रेडी हो गया है। अभी हम बैक का मार्किंग करेंगे और कपड़े को आपको रुक देख लेना, जिसमें जैसे इसमें ऊपर की तरफ जा रहा है वो बाद में कर देना, बैक में कर दो आगे। ज़रा ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो फ्रंट इधर बने, बैक इधर बनेगा, इस तरह से राउंड होगा ऊपर की तरफ। अभी दिखा रहा हूँ आप, इसमें भी सेम उसी तरह से आपको पूरा टोटल कपड़ा नाप लेना है कितना है, उसके बाद में इस तरह से सेंटर आप कर सकते हो। ये देखो ये सेंटर आपने नाप लिया, फिर स्ट्रेट आपको लाइन मार लेनी है ऊपर की तरफ। ये आपका जो मेज़रमेंट है ना, ये साइज़ के हिसाब से आप जिस तरह से भी कस्टमाइज़ कर रहे हो उस तरह से इजीली होता है। ये ऊपर के जो ऊपर है उसको 5.5 इंच रखते हैं, 5.5 इंचेस, और फिर उसके बाद में 2.5 इंचेस इधर बाहर की तरफ। ये कंधी होती है, शोल्डर होते हैं जो, वो ब्लाउजेस में अप्रोक्स शोल्डर लेंथ 2.5 इंच होता है। अब ब्लाउज का बैक हाइट टोटल नापना है, कितना हाइट रखना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट नापना है। और ये इसमें एक सिंपल जो मेथड है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको टोटल हाइट नाप लेने के बाद में कितनी है, 13 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 13.5 बनाओ। टोटल हाइट नाप ली 13.5, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक अगर नापने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जस्ट यहाँ से यहाँ तक नाप लो कितना है, उसको नापने के बाद में आप मेन हाइट से ये कम कर दो तो पता चल जाएगा नेक कितना है। बहुत सिंपल है, ज़रूर ट्राई कर लो। और ये कपड़ा खिंचा हुआ है ना, तो थोड़ा सा आप इसको एक्स्ट्रा मार्किंग करें ताकि खुलने के बाद जब ये कपड़ा शिंक हो तो मार्किंग वेस्ट ना हो, ठीक। ये हाइट हो गया पहले, अब इसको भी सेंटर से कर लेना है बिल्कुल ऊपर। पहले मार्किंग की स्ट्रेट लाइन मार लो एक पटरी से, ये देखो इस तरह से करके यहाँ पे आ रहा है सेंटर। ये एक पहले सेंटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको, नेक की सेंटर है ये, नेक का जो सेंटर होता है वो है, ओके। अब उसके बाद में ऊपर जो बैक में नेक कितना डीप है, टोटल हाइट में कितना, 5 है ये, हाँ टोटल हाइट में आपको 5 इंचेस कम कर देना है। तो देखो ये ऊपर का जो बच गया ना वो आपका नेक हो गया, नीचे ये सेम एज इट इज़ जो आपके ब्लाउज में है वो आ गया, ये देखो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपको ऊपर की तरफ थोड़ा कम रखना है और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि जब ये ब्लाउज़ बनने के बाद जब स्टिचिंग होता है ना, अगर यहाँ पर खुला हुआ नहीं है थोड़ा, तो फिटिंग में थोड़ी सी इशू होती है। अगर आप नीचे थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे, ऊपर थोड़ा सा कम करेंगे तो परफेक्ट आएगा, बिल्कुल बैक में बिल्कुल फिट हो जाएगा ब्लाउज। ये देखो इस तरह से हाइट का दोनों एंड पे सेम नाप लेना है। आप अपनी बॉडी के परफेक्ट हिसाब से भी कर सकते हो, लाइक ब्लाउज का वेस्ट नाप के ये वेस्ट के हिसाब से रख सकते हो। जैसे ये नॉर्मल साइज है तो इसमें 16 16.5 बैक बनेगी और 32 हाइट हो, वो फुल बॉडी का वेस्ट का मेज़रमेंट होगा। और हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है आपको, जैसे इसमें कितना है, 14.5 है ना, तो 16 से मार्किंग करेंगे, क्योंकि 2 इंच में टक्स पड़ती है, जो जो बैक में टक्स होती है फिटिंग के लिए वो 2 इंच जाता है, 1 इंच इधर 1 इंच उधर, तो 16 से मार्किंग करेंगे। 8 इंचेस एक पार्ट होगा, 8 इंचेस दूसरा वाला होगा, ये 8 इंचेस और उधर वाला भी 8 इंचेस, ठीक है। अब इसी तरह से ऊपर से यहाँ से 6 इंच आपको नीचे निशान लगा लेना है, और उसके बाद में ये चेस्ट की मार्किंग हो जाती है, ठीक है, चेस्ट की हो जाती है। फिर आपको स्ट्रेट लाइन खींच के आपका जो चेस्ट है उसका 4th टाइम कैलकुलेट करके आप लगा सकते हो। लाइक अगर 39 है तो 9 इंचेस में 1 2 पॉइंट बढ़ा के आप रख सकते हो। बहुत बेस्ट टिप्स हैं, आप ज़रूर ट्राई करो, और ये जस्ट फॉर बिगिनर्स के लिए है, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस तरह से आप अपनी बॉडी मेज़रमेंट बना सकते हो, अपने ब्लाउज के ऊपर ड्राइंग कर सकते हो।
ये देखो अब ये नेक ड्राइंग हो रहा है, ये ऑलमोस्ट बॉक्सेस टाइप का होता है, और इसमें आपको जस्ट 1 इंचेस यहाँ से नाप के इधर इजीली राउंड कर सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट राउंड आ जाएगा। देखो ये बॉक्स हो गया, अब यहाँ पे आप राउंड कर लोगे इजीली हो जाएगा। ये चेस्ट की मार्किंग है, अब 36 के हिसाब से बना दो, 10 इंचेस इधर रखो, 10 इंचेस उधर। ये एक साइज जस्ट मतलब स्टिचिंग के लिए लेते हैं हम लोग, बाकी जब कटिंग होती है ना तो वो पूरा डिफरेंट हो जाता है। ये आपको वर्क कहाँ तक करना है ये उसकी लिमिट है, जैसे कि आप मान लो आप हेवी वर्क कर रहे हो, आप अगर ज़्यादा बाहर स्टिचिंग कर दोगे तो वो कटिंग में पूरा ब्लाउज का लुक डिफरेंट हो जाता है। तो आप मार्किंग परफेक्ट करो, उसके अंदर ही काम करो। अब इस तरह से आप राउंड कर दो आर्म होल को, जस्ट आइडियाज़ के लिए कर दो ताकि आपको वर्क करने में कोई भी इशू ना हो। ये देखो ऊपर से दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरह का कुछ मार्किंग हो गया है ब्लाउज। अब यहाँ से आप इसको राउंड कर लो थोड़ा सा, ये देखो, और इसमें आप कोई भी शेप अगर देना चाहो, पॉट नेक यू शेप जो भी आप इजीली कर सकते हो, बहुत इजी होता है ये। अब एक बार फ्रंट नेक भी आप लोग देख लो, फ्रंट नेक की मार्किंग कैसे करते हैं। एक स्लीव्स तो इधर होगी जो आपको दिखा दिया हमने, और एक बैक इधर हो गया। अब इधर हम लोग फ्रंट बनाएंगे क्रॉस, अगर प्रिंसेस कट है तो स्ट्रेट बना सकते हो, अगर क्रॉस कटिंग है तो ऐसे ऐसे बनेगा, अगर प्रिंसेस कट है तो ऐसे आके जस्ट उधर एंड हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्रॉस में एक लाइन मारनी है इस तरह से, ये देखो। अब उसके बाद में आप फ्रंट नेक नाप लो कितना डीप है, वर्द तो आपको इसी के हिसाब से रखना है, ये जितना है, ये देखो इस तरह से रख के आपको ऐसे नापना है, क्योंकि आप बॉडी का भी इसी तरह से मेजरमेंट लेंगे। ये देखो उधर तो कटिंग में चला जाएगा ना, तो उधर एंड से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखो इस तरह से ये हो गया, अब स्ट्रेट लाइन करके देखो इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपका ब्लाउज में कोई भी इशू नहीं आएगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब यहाँ से 2.5 इंचेस में थोड़ा सा बढ़ा लोगे तो और परफेक्ट हो जाएगा। ये देखो अब इसको आप यहाँ पे थोड़ा राउंड कर लोगे, ये हो गया आपका क्रॉस। थोड़ा सा आप आगे थोड़ा सा बढ़ा लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखो हो गया परफेक्ट, ब्लाउज़ की फुल मार्किंग होगी, बैक इधर आ गया। ये 1 मीटर से कम कपड़ा है, ऑलमोस्ट 80 सेंटीमीटर है, अगर 1 मीटर है तो आपको और अच्छे से कर लोगे आप। ये बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये एक स्लीव्स हो गया। ओके आई होप आपको वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलेंगे बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से लेकर आपको कुछ और सिखाएंगे। अभी ये ब्लाउज़ पर ऑलरेडी काम चल रहा है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। ओके तो अभी लाइव को एंड करेंगे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय गाइज़।